अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th कंप्यूटर साइंस। आज स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है, 7th चैप्टर हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, सिर्फ आप कह सकते हैं कि पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता। और दूसरा, ये हमारे पास ये एक टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये जो चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, ये टोटल प्रैक्टिकल है। ये आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, उनके बारे में हम ब्रीफली यूज करते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली ये हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? इसमें हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, इस तरह की जो चीजें हमने डिजाइन करनी होती है वो हम करते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में। तो इसके अलावा बेसिकली ये हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू, इसके अलावा भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारे पास वर्ड आर्ट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नोट पैड, ठीक है, नोट पैड पहले हम यूज करते थे, अब उसको हम वर्ड पैड और नोट पैड, ये भी हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिनमें हम डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हमें क्या करना होता है, हमने इनको यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए। बेसिकली एमएस वर्ड हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम यूज करते हैं, उनको नाम देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और उसमें हमारे पास एमएस वर्ड भी आ रहा है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से, ठीक है, ड्राइव वगैरह। अब इसी में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज्ड टू राइट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को राइट करना होता है। दूसरा इसका ये है, इट इज वेरी पावरफुल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू वर्डपैड एंड नोटपैड। अब बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको हम यूज क्यों करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज इसलिए करते हैं कि इसकी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है जो हम यूज करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑफिस 2003, उसके बाद ऑफिस 2007, 7 के बाद हमारे पास 10, 10 के बाद 11, उसके बाद 15, ये बेसिकली हमारे पास वर्जन आ रहे हैं एमएस ऑफिस के। तो जो काम 7 में होता है 10 में भी वैसा होता है, लेकिन उसमें जो उसके इंटरफेसेज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो बच्चा 10 को अच्छी तरह से यूज कर सकता है वो 7 को भी कर सकता है। इसमें जो फीचर्स है वो थोड़ी सी एडवांस है एज कम्पेयर टू 3 और 7 में, तो उसमें सिर्फ इंटरफेसिस का डिफरेंस है, बाकी वो काम बिल्कुल वैसे का वैसा ही करता है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, एडवांटेज की, फीचर्स की, जो हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी फीचर क्या है कि इसमें सबसे पहले है क्रिएट फास्ट एंड ईजी डॉक्यूमेंट। हम अपने प्रोग्राम को, अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से और फास्टली हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नंबर टू इसमें ये है कि हमारे पास जो टेम्पलेट है वो बिल्ट इन है, बिल्ट इन टेम्पलेट। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो ऑलरेडी पहले से बनी हो, हम खुद से डिजाइन ना करें, इसको नाम देते हैं बिल्ट इन का। और हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन वो होते हैं जिनमें हम चेंजिंग नहीं कर सके, जो पहले से बने होते हैं, ठीक है, इनको प्री डिफाइंड का नाम भी दिया जा सकता है, रीडिफाइंड और प्री डिफाइंड का। दूसरा इसमें यह है कि इसमें इसका नेक्स्ट फीचर इसमें यह है कि इसमें बिल्ट इन स्पेल चेक, यानी स्पेल चेक करने का हमारे पास होता है। अगर हम कोई लाइन लिखते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लगती है ग्रीन और एक लगती है रेड। रेड का मतलब ये है कि इसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन का मतलब ये है कि इसमें हमने फॉर्मेटिंग मिस्टेक की है, कि हमने स्पेस ज्यादा या कम कर दिया या एंटर प्रेस कर दिया, तो उसके नीचे वो ग्रीन लाइन को डिनोट करेगा। रेड का मतलब है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन का मतलब इसमें फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारी फीचर आती है, हम अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से टेम्पलेट, इसमें बने हुए टेम्पलेट होते हैं, जिस तरह का टेम्पलेट आपको चाहिए आपको आसानी से चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये ऑटो करेक्ट
हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो ऑटो करेक्शन की है कि अगर हम एक स्पेलिंग लिखते हैं उसके स्पेलिंग गलत है तो नीचे उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो एक लिस्ट ऑफ बॉक्स ओपन होती है जिसके ऊपर स्पेलिंग लिखे होते हैं कि ये स्पेलिंग लिखे तो ये सही है। इस तरह से भी हम उसको अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फीचर हमारे पास ये है कि इसमें हम आसानी से मल्टीपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं आसानी से जितनी हमें कॉपीज चाहिए वो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इसकी फीचर ये है कि सेव डॉक्यूमेंट, सेव और दूसरा होगा इसमें एंड सेव एज, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारी फीचर क्या आ रही है, सेव और सेव एज। सेव क्या होता है कि जब हमने किसी डॉक्यूमेंट को काम करने तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कंटेंट
टाइटल बार का। तो टाइटल बार इसकी चैनल हमारे पास ये है कि जब हम मेंबरशिप को ओपन करते हैं ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट वन, तो बेसिकली वो हमें बताता है कि ये टाइटल बार है। टाइटल बार यानी सबसे ऊपर होता है जहाँ उसका नाम लिखा होता है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारे पास आगे जो मेन्यूज है उनको भी हम मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है, उनको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने कर के रहा है। अगर आपको किसी टॉपिक में समझ में आए तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।